विनोद छलानी है और मेरे को पिछले 2 महीने से फीवर आ रहा था, तो मैंने कई हॉस्पिटल में गया था, ट्रीटमेंट में चला था, लेकिन उससे मेरे को कुछ राहत नहीं मिली। फिर मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में सुना था, तो डॉक्टर अंकिता वैद्या से मेरा अपॉइंटमेंट लिया था। उन्होंने देखा और उन्होंने एडमिट की सलाह दी। फिर मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में मेरे को कुछ राहत मिली थी, फीवर भी कम हुआ था। डॉक्टर गोगोई साहब ने भी देखा था इनके साथ में, तो उन्होंने भी अपने जो सजेशन दिए थे किडनी में इन्फेक्शन वगैरह का, तो वो मेरे को पहले पता नहीं लगा था, किसी ने बताया भी नहीं था। ये इन्हीं के सुझाव थे कि भाई आपकी किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो इन्होंने इन्फेक्शन की दवाई जैसे दी मेरे को चलाई, तो मेरे को बहुत आराम आया। 5-6 दिन बाद में मेरे को छुट्टी मिल गई थी। जब मैं घर पे गया था पिछले 2-3 सप्ताह से मेरे को कोई फीवर की कोई शिकायत नहीं है और मैं बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरा हेल्थ अब ठीक है, और ये जो हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था, और भविष्य में यदि हुआ तो ज़रूर मैं किसी से परामर्श करूँगा। मिस्टर विनोद जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के, और एक डायबिटिक पेशेंट है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रही है उनको, हमारे पास आए 2 महीने की हिस्ट्री के साथ जिसमें उनको बार बार बुखार आ रहा था। जब हमने केस रिव्यू किया पेशेंट का, तो हमें पता चला कि उनको डीजे स्टेंटिंग हुई थी, जो एक स्टेंट होता है जब किडनी से यूरिन आपका प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, तो स्टेंट करते हैं उसमें। उसके बाद से उनको फीवर आने लगा था, बहुत बारी एंटीबायोटिक्स चल चुकी थी उनको। सारे कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कुछ इस तरह से थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन की एंटीबायोटिक्स चलती थी, हायर एंटीबायोटिक्स भी चली थी जिसमें 7-10 दिन की एंटीबायोटिक्स चलती थी फिर बंद हो जाती थी। जब एंटीबायोटिक्स चलती थी तो वो ठीक रहते थे, बट जैसे ही बंद होता था दोबारा उनको फीवर आने लगता था। सो हमने देखा कि इवैल्यूएशन में कि हमने देखा कि उसमें किडनी में फोकल इन्फेक्शन है। डॉक्टर गोगोई जो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया, और जो किडनी की डायग्नोसिस थी, जो पुराना उनका स्कैन था, क्योंकि उनको रीनल स्टोन्स थे तो हमारे पास पुराने स्कैन्स भी थे, ये एक नई फाइंडिंग हमें दिखी कि एक नई फाइंडिंग है जो किडनी में डेवलप कर रही है। तो इसकी डायग्नोसिस जो बनी वो थी फोकल नेफ्रोनिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिया। इनिशियली आईवी दिया, फिर ओरल एंटीबायोटिक्स पे स्विच किया, और पेशेंट एफेब्राइल हो गया। फॉलोअप में भी पेशेंट एफेब्राइल था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी डायग्नोसिस पता हो, ताकि ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी अप्रोप्रिएटली कवर की जा सके। एंटीबायोटिक्स के साथ ये होता है कि आप इनिशियली अगर आप देते हो और वो सही एंटीबायोटिक है तो काम करती है, बट अगर डायग्नोसिस सही नहीं हो तो कुछ कुछ कंडीशंस में, जैसे हार्ट का इन्फेक्शन है या किडनी का इन्फेक्शन है, इस कंडीशंस में हमें प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, तब पूरा रिजॉल्व होता है। सो इनके केस में भी हमने ये किया, जब हमारे पास डायग्नोसिस थी तो हमने ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रॉपरली मेंटेन किया, और आज के दिन में पेशेंट एफेब्राइल है और कंफर्टेबल है अपने लाइफ में। थैंक यू।